गोरों ने बनाया, ये अजमेर शरीफों ने बनाया, ये बगदाद शरीफ ने बनाया, तो क्या अब हम इन गोरों की भी इज्जत करना शुरू कर दें? हम उनकी तारीफ करेंगे लेकिन उनके अकीदे को नहीं मानेंगे। तो लिहाजा तुम भी आदो 90 लाख नु पढ़ाया और छड़ दो 90 लाख, 90 लाख तो आबादी नहीं सी उस टाइम, चलो 90 लाख भी हो गए, मान लिया थोड़ा झूठ, अकीदे भी मान लें। अगर मानने हैं तो फिर जिन प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बुखारी मुस्लिम प्रिंट हो रही है, इन प्रिंटिंग प्रेस बनाने वालों को भी आप बुजुर्ग माने, कहेंगे नहीं वो अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। हम उनकी इस चीज को तो कदर की निगाह से देखते हैं, उनके अकीदे नहीं मानते। सरकार हम भी आपके बुजुर्गों की इस एफर्ट को कदर की निगाह से देखते हैं लेकिन उनके अकीदे नहीं मानते, और आप खुद भी बरेलवी देवबंदियों के बुजुर्गों को नहीं मानते, देवबंदी बरेलवियों के नहीं मानते, और इससे ऊपर चले जाए सुन्नी शिया और शिया सुन्नियों के बुजुर्गों को नहीं मानते। ईरान में जिन बुजुर्गों ने शियत फैलाई है क्या सुन्नी उनको बुजुर्ग मानते? वो भी 1000 साल पुराने हैं। तो सरकार तुसी अपने बुजुर्ग किथे लेके बैठे हो? एक ही स्टेटस है। तो अल्लाह के बंदो, बात करते हुए जरा सोचा करो कि आप कौन कौन सी बात कर रहे हो। बातें करके साइड पे हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमारी मीम्स क्यों बनती हैं, इंजीनियर साहब मजाक उड़ाते हैं। यार मजाक तो आप खुद उड़वाते हैं। जब आप कहेंगे ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ ना। दाता हुजूर कशुर मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है जी। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ा डे? और अगर हजूर कहां से पकड़ाऊ, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। बाबा जी, बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। मैं भी होते ही सा आना का मतलब ये होता है। अब इन्होंने कहा कशर मजूब में लिखा है तो हम मान लेंगे। फिर साथ वाक्य सुना रहे हैं वो ढेले वाला जी, वो स्तंजे के लिए जिस ढेले को हाथ लगाए सोना। हमने कहा खुदा से डर जाए यार, ये स्टेटस तो प्रॉफिट को नहीं मिला। कुरान में आप सूरह तौबा पढ़ें, पारा नंबर 10 का आखिरी सफा पढ़ लें, आयत नंबर 92, कह नबी अलैहिस्सलाम